दिनभर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, दिनभर के सह प्रायोजक हैं विष्णु शंकर ज्वेलर्स, स्विगी, मुथूट फाइनेंस। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिनभर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का हुआ रिहर्सल, एडीजी ने पुलिस लाइन सहित विभिन्न कार्यालयों का किया निरीक्षण। गोरखपुर जिले में अमन और चैन को स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई गई शांति और सद्भावना समिति की बैठक, कहा अफवाहों से रहे दूर, सबके साथ है जिला प्रशासन। एडीजी व एसएसपी ने पुलिस परेड ग्राउंड व परेड का किया निरीक्षण। बेसिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई ऑपरेशन कायाकल्प की बैठक, जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। हेलमेट जागरूकता अभियान के तहत एसपी ट्रैफिक ने महिलाओं को दिया श्रेष्ठ पत्नी सम्मान। आरोपियों के घर पहुंचे यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कोचिंग जाते समय सड़क दुर्घटना में छात्र की हुई मौत। महानगर में लग रहे जाम को देखते हुए एसपी ट्रैफिक ने रोडवेज बस स्टैंड पर 45 बड़े बसों सहित डग्गामार टैक्सियों का किया चालान। गोरखपुर महोत्सव में सीआरसी गोरखपुर के छात्र करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव के तत्वाधान में वरिष्ठ वर्ग के अंतरजनपदीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और स्नेहिल नारी संस्था ने जिला महिला अस्पताल में नवजात शिशुओं को गर्म कपड़ों का किया वितरण। आज पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का रिहर्सल किया गया तथा एडीजी रेंज नारायण सिंह द्वारा पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय, एसपी नॉर्थ, एसपी साउथ, पासपोर्ट ऑफिस, लेखागार कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान छोटी मोटी खामियां पाई गई, जिसको मौके पर ही एडीजी रेंज द्वारा ठीक करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। ये जो नया वाला सॉफ्टवेयर आया है, ये डाउनलोड करेंगे फिर वहाँ भेजते हैं, थाने वाला देखते हो आप, सिलाई वाला नहीं देखते? नहीं सर, हम थाने नहीं भेजते, थाना हमें जांच करके देता है, अपना फिलहाल जाता है, एलआरसी जब जांच कराता है सर, हम लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस को मिलते हैं। वो अलग सिलाई वाला अलग, ये मीटिंग कौन सा है आज यहाँ पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें जो हमारी विभिन्न पुलिस की इकाइयाँ हैं, बड़े बाबू की शाखा, अंकित शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ,
इसके अलावा जाते हैं जो हमारा पासपोर्ट कार्यालय है, इसके अलावा विभिन्न हमारे जो एसपीज हैं उनका कार्यालय जिसमें एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ, एसपी साउथ और उनकी पीसीओं का जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्राइम ब्रांच है और इसके अलावा विभिन्न शाखाओं का जाते हैं यहाँ पर प्रांगण में जाते हैं उसका निरीक्षण किया गया है और उनके स्टेटमेंट सभी देखे जाएंगे। विशेष रूप से जाते हैं पुलिस की ये परंपरा रही है कि वर्ष में जाते हैं दो बार जाते हैं उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। उसी क्रम में पिछले साल भी मैंने किया था और आज सुबह पुलिस लाइन का और अभी जाते हैं यहाँ पुलिस कार्यालय का भ्रमण के साथ साथ विभिन्न जो हमारे दस्तावेज हैं जाते हैं अभिलेख हैं उनका अभी परीक्षण किया जाएगा और इसी क्रम में जाते हैं आज निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ स्थानों का भी जो है निरीक्षण किया जाना है और जो कमियां हैं अधिकारियों को बताया जा रहा है। अब जैसे विशेष रूप से ये बिल्डिंग जो है काफ़ी जीर्ण स्थिति में है, नई बिल्डिंग जैसा आपको मालूम है कलेक्ट्रेट के साथ ही जाते हैं या पुलिस कार्यालय भी उसी बनाया जाएगा, जगह की कमी है। इसके अलावा जाते हैं जो बिल्डिंग का रखरखाव जाते हैं इसका जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है जाते हैं तो इस बिल्डिंग का रखरखाव आप जैसा महसूस कर रहे हैं जाते हैं उस अच्छे स्तर का नहीं है और लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में है हमारे सभी जो लोग हैं मुस्तैद होकर के अपना अपना काम कर रहे हैं। गोरखपुर जिले में अमन और चैन को स्थायी रूप से स्थापित करने के मकसद से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शांति और सद्भावना समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव के साथ शांति समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिले में पूर्ण रूप से शांति कायम रखने के लिहाज से कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा की गई और लोगों को आपसी भाईचारा में बने रहने के उपाय और सुझाव भी मांगे गए। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि किसी भी अफवाह को शहर में पसारने से रोके और अगर आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या विषय वस्तु की जानकारी मिलती है तो तत्काल उसे जिला प्रशासन या पुलिस को बताए। बच्चों को समझाइए कि गुनाहों को पकड़ने के लिए जाने में बाहर बैठे लोगों के आदमियों के दिमाग में उठता है क्या? जिंदगी का तजुर्बा आपने अभी तक नहीं सीखा? अमन और शांति से बड़ी कौन सी दौलत है समाज में? हीरे जवाहरात दौलत नहीं है, बड़े आलीशान मकान, बड़ी गाड़ियां दौलत नहीं है। सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया है और कोई भी चवन्नी लेके हम आप में से कोई भी नहीं जा पाया। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 15 देखिए, उसमें किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आदेश के रिवीजन की पावर है। 15A या 15 का धारा उठा के देखिए सिटीजनशिप एक्ट की, उसमें रिव्यू की पावर है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो आपका उपस्थित रहना अनिवार्य है, आपको पीछे नहीं हटना है या खिड़की में पर्दे से नहीं झांकना है। बेगुनाहों को सजा देने के लिए हम लोग यहाँ गोरखपुर नहीं आए, मदद करिए, सिटीजनशिप एक्ट पढ़िए, अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए, संविधान पढ़िए। अच्छा नहीं लगता है किसी को, इसलिए हम प्रयास करते हैं पहले फोकस हम लोग को घटना ही ना हो जाए, इसलिए तो इतने जो हम लोग प्रयास करते हैं ताकि हम सारे मेन जो हम सब लोग छोड़ के इंडिया आए हैं, हम तो थोड़ी भी प्रयास होता था कि हम लोग के साथ साथ आप लोग भी खड़ा हो जाए तो पता ही नहीं होगा गोरखपुर। गोरखपुर में हम लोग भी आप लोग के साथ लगभग मेरे भी 2 साल होने जा रही, पटना सर के 1 साल हो गया है। अब जानते हैं गोरखपुर वासी है, पीस लविंग जनता है, ऐसे नहीं है। तो गोरखपुर वासी का रोज करीब 200-300 लोग से मिलता हूँ मैं उस कलेक्ट्रेट में, बाकी क्षेत्र में घूमते रहता हूँ, रोज मिलते रहते हैं तो हजारों लाखों संख्या में लगभग। तो मेरा मानना है कि घटना हुई है, बहुत दुखद है और ये कभी भी उस तरह से तब्दील हो सकती थी और बहुत सूझबूझ से दानिश साहब ने जैसा बताया, निसंदेह केवल पुलिस नहीं थी, जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने काफी कंट्रोल किया, लेकिन चूंकि वो भीड़ जब होती है मौत शासन पर भी विश्वास नहीं। रात भर बिना अलाव के पुलिस वाले चौराहे पे खड़े, इस प्रश्न को सोचिए, अपना मंथन करिए। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, शांति सद्भावना समिति का मीटिंग था आज गोरखपुर का, इस पे तमाम इमाम लोग और मुतवली लोग भी आए थे और जो शांति समिति के सदस्यगण भी थे। तकरीबन 2 घंटे तो सब लोग का विचार विमर्श हुआ है। जो हम लोग जो
खासतौर पे जो गोरखपुर में शांति व्यवस्था कराने के लिए जो हमारा समिति के सदस्य का जो सहयोग हम चाहे थे, सभी लोग भरपूर सहयोग करने के लिए आश्वासन किए थे। गोरखपुर अभी भी शांति है, शांति रहेगा, उस पर कोई यकीन नहीं है। और उसी दिशा पे जो बहुत सारे जो उन लोग सुझाव भी दिए थे, हम लोग सुझाव नोट किए। उन लोगों के सदस्यगण का जो आईडी कार्ड चाहिए और सदस्यगण का और बाकी जो मीटिंग कराने के लिए उन लोग सुझाव दिए थे, जगह जगह पे थाने में और मोहल्ले में जो हम लोग मीटिंग करा करके ये जो भ्रम का स्थिति बना हुआ है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, उसी के भ्रम तोड़ने के लिए आज प्रयास हुआ है। आज भी हम लोग पैम्पलेट बांटे थे और तमाम भ्रांतियाँ दूर किए थे। और भी हम लोग मोहल्ले के जरिए से, स्कूल के जरिए से, हर स्कूल कॉलेज जो खासतौर पर जो टीनेज लड़के के मन में भ्रम है उसको तोड़ने के लिए आगे प्रयास करेंगे, उसी के दिशा पे आज मीटिंग हुआ। और गोरखपुर वासियों से सभी से अपील है यही, शांति बनाए रखें और ख़ास तौर से युवाओं से अपील है कि गुमराह ना हो। आज इस अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से एक बिल और पंफलेट भी जारी हुआ है जो इस CA के को क्लैरिफाई करता है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अब इस तरह की गुंजाइश है कि जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। और यदि कोई अपने हाथ में कानून लेता है या कोई इस तरह की करने की कोशिश करता है, शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, धारा 144 लगी है, उसमें जो भी हमारे पास पावर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आगामी 26 जनवरी को होने वाले परंपरागत परेड की तैयारियों के संबंध में ADG जयनारायण सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड पर परेड का निरीक्षण किया गया तथा उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज के संयुक्त तत्वावधान में ऑपरेशन कायाकल्प का आयोजन विकास भवन में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयन पांडे, जिला पंचायत अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली और इसे सुचारू रूप से संचालित करने का संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश दिया। टोटल कितने विद्यालय में नहीं है ये तो 434 विद्यालय चौवन एक्चुअली सर हैंडपंप तो सब में है, क्या इलेक्शन होता है सब में हैंडपंप ना, समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, 80 विद्यालय क्या क्या ठीक है हैंडपंप लगा हुआ, क्या पीने लायक नहीं है वो? हाँ पानी या तो रिपोर्ट करने की जरूरत है या तो पानी की क्वालिटी खराब है। तो फिर वो चेक कौन किया, जल निगम के पास किट होता है, तुम कैसे कह रहे हो पूछ रहा हूँ, आपके पास तो कोई तो तंत्र मंत्र तो नहीं है, तुम कैसे पहचान रहे हो तो पानी पीने लायक? मार्च 20 तक ठीक है लिया गया सर, वो IT टीचर जो वो जिसका टीचर विरोध कर रहे हैं उसके को ले जा करके किए हैं एक एक विद्यालय पे ना, कमी है क्या है नहीं तो पहले इतने बता, हैंडपंप है कुछ ना कुछ है सर, हैंडपंप ज्यादा जगह है बट उसको क्वालिटी का पीने लायक नहीं जी सर, तो उसको कैसे सही कराओगे?
तो फिर मैक्सिमम फिर वही मानेंगे, फिर तो 450 विद्यालय में हैंडपंप तो है। इस पे क्या आप लोग क्या किस तरह का, केवल बालो देती है रीजन में अगर क्वालिटी खराब है लिख रहे हैं बैड क्वालिटी वाटर नहीं येलो वाटर है या बालू आ रहा है क्या है? 10-5 से ज्यादा नहीं होंगे सर, क्योंकि अपेक्षा आ जाती है हम लोग पास अगर ऐसा कुछ रहता है तो रिबोर करा लेंगे हम लोग, और ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस होगा जहाँ पर नहीं होगा तो सर हम लोग सूची आपको दे देंगे सर। तो माननीय विधायक जी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कहीं फिल्टर विल्टर लगना उसी टाइप का चीज़ है तो वो उसको विचार कराया जाएगा इसको। तो फिर आप लोग यार रिबोर सही मैक्सिमम सही करा लो, ये भी दूसरा वाटर महिलाओं को श्रेष्ठ पत्नी का सम्मान देने के पीछे वजह यह है कि वह अपने पति को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करें। जो पत्नियां अपने पति के साथ हेलमेट लगाकर चल रही थीं, उन्हें मोहद्दीपुर चौराहे पर एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने श्रेष्ठ पत्नी के सम्मान से सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र भी दिया। आपको दे रहा है एक मिनट पीछे दो, एक मिनट सर, जब घर से बाहर निकले लेकिन इसने लिखा पत्नी पत्नी को हेलमेट दे रही है, ये आपका दायित्व है इनको हेलमेट पहनाने का। जय जय आप देखिए आप हेलमेट इनको लगाने के प्रोत्साहित करती हैं, लाइए काट दीजिए। पत्नी अपने पति को हेलमेट पहनाए वो श्रेष्ठ पत्नी विद्यापति हमेशा पति को हेलमेट पहनाइए, पकड़िए, ये हम लोगों की तरफ से प्रमाण पत्र है आपका, आप ही पकड़ लो भाई। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, गोरखपुर यातायात पुलिस निरंतर हेलमेट धारण करने के लिए प्रचार और प्रसार कर रही है और लोगों में जागरूकता प्रदान कर रही है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने आज जो पत्नियां अपने पतियों के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई हैं और उनके पति हेलमेट धारण किए हुए हैं, तो उन लोगों को अपने पति को हेलमेट पहनकर प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग श्रेष्ठ पत्नी सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। आपने अभी तक हम लोग लगभग 20 लोगों को हम लोग बांट चुके हैं और हमारा टारगेट ये है कि जो महिला अपने पति के साथ बैठी होगी हेलमेट के साथ में, हर महिला को सम्मानित करना है हमारा। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, और जो पत्नियां अपने पतियों के लिए हमसे श्रेष्ठ पत्नी सम्मान प्राप्त करके जा रही हैं वो तो इसमें अपने पति का रोज ध्यान रखेंगे, वो सदैव हेलमेट दे के ही छोड़ेंगे उनको। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी इंड्रोस्कोपी गैस्ट्रोसर्जरी स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं जैसे पित्त की थैली अपेंडिक्स बच्चेदानी रसौली ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी आंत का फंसना आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन ब्रेस्ट थायराइड हॉर्निया बवासीर हाइड्रोसील का इलाज ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल निकट पूर्वांचल बैंक बुद्ध विहार कॉमर्शियल तारामंडल पुलिस चौकी के पीछे गोरखपुर। शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ हमारे यहाँ पधारे विष्णु शंकर ज्वेलर्स यानी खरा सोना। हमारा पता है विष्णु शंकर ज्वेलर्स जलकल भवन गोलघर गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9935720023। हमारी दूसरी शाखा गोपी गली हिंदी बाजार गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838667050। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का आगमन गोरखपुर में हुआ। इस दौरान नौसर चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आरोपियों के घर पहुंचे और उनके परिजनों से बात की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता तौकीर आलम, पूर्व महासचिव अनवर हुसैन, इकबाल अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तुम गाड़ी ले दो। खजनी थाना क्षेत्र के भरोहिया निवासी अरुण त्रिपाठी पुत्र 22 वर्षीय शैलेंद्र त्रिपाठी अपने घर से कोचिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ ऑटो से जा रहे थे कि अचानक हरैया पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित ट्रॉली से ऑटो की भिड़ंत हो गई। ऑटो में बैठे 4 छात्र घायल हो गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई व एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दुर्घटना हुई है नौसड़ में हरैया पेट्रोल पंप के पास। कुछ कोचिंग करने बच्चे जा रहे थे, जिन्हें कुछ वाहन ने ठोकर मार दिया है। एक लड़का सीरियस है, एक लड़के की डेथ हो गई है और दो और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या लड़के कुछ जॉबों में भी नहीं? एक लड़का जो जिस डेथ हुआ है अरुण त्रिपाठी, वो भरोहिया खजनी का रहने वाला है। वो UPP और SSB में मेडिकल उसका हो चुका था और वो आगे की तैयारी के लिए जो है कोचिंग करने आ रहा था। गोरखपुर यातायात विभाग हमेशा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग करता रहता है। इसी क्रम में आज पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे रोडवेज बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 30 बसों का चलान किया। साथ में करीब 25 डग्गामार टैक्सियों का चलान भी किया गया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, एक्चुअली स्टेशन से लेकर रोडवेज तिराहे तक लगातार जाम की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और जनता को भी परेशानी हो रही थी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आज जो है जितने रोडवेज वहां पे बसें खड़ी हुई थी उनका चालान किया है और इन रोडवेज बसों का
जिसके स्वामित्व में पंजीयन होगा उनके स्वामित्व को हम लोग नोटिस भेजेंगे और उसका अर्थदंड की उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। आज हम लोगों ने लगभग 25 बसों किया है, कल 15 बसों किया था, उसके पहले 15 बसों किया, लगभग हम लोग 60-70 रोडवेज बसों का चालान कर चुके हैं, उसमें प्राइवेट अनुबंधित बसें भी शामिल हैं। सर आए दिन रोडवेज बस स्टैंड पे बस वालों की मनमानी की वजह से बहुत ज्यादा जाम लगता है, इसके लिए ट्रैफिक बस क्या प्लान है? बस हम चालान कर रहे हैं, ये सुधर जाएंगे, ये इनको सुधार अपने आप में करना पड़ेगा, अपने तरीके से वाहन चलाना पड़ेगा और जनता को कष्ट नहीं होने देंगे। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र दिव्यांगजन गोरखपुर के निदेशक रमेश कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पहली बार गोरखपुर महोत्सव में दिव्यांगजनों की व्यापक भूमिका होने जा रही है, जो कि गोरखपुर महोत्सव में कैटवॉक, व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल दौड़ में भाग लेंगे। गोरखपुर महोत्सव में आयोजित बाल फिल्म महोत्सव में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन फिल्म भी देखेंगे। पहली बार समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र दिव्यांगजन गोरखपुर इन बच्चों का प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। आयोजित किए जाए तो हम लोग 4-5 कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम ये है कि जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन नॉर्मल जनगणमन के साथ, सामान्य जनगणमन के साथ हमारे 5 मूकबधिर बच्चे साइन लैंग्वेज में हमारी साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के साथ जनगणमन करेंगे सबके सामने। दूसरा है कि व्हील चेयर पे सपोर्टेड रेस होगी और ट्राईसाइकिल रेस होगी। तीसरा है कि तीनों मेले के तीनों दिन हमारे CRC का स्टॉल लगेगा, उस स्टॉल के में सिग्नेचर कैंपेन भी होगा, तमाम तरह की अवेयरनेस बुकलेट्स भी होंगी और दिव्यांगों के प्रति राज्य सरकार केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उनके पुनर्वास के लिए, वो सारी चीज़ें हम तीनों दिन बताएंगे। उसके अलावा बाल फिल्म महोत्सव यहाँ किसी सिटी मॉल में या किसी हॉल में आयोजित होगा, जिसमें हमारे 150 से 200 दिव्यांग बच्चे अपने माता पिता के साथ जाएंगे, फिल्म देखेंगे, आनंद लेंगे, उसके पास के लिए भी चर्चा हो गई है, वो भी हम आयोजित करेंगे। और जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो हमारे 12 मूक बधिर बच्चों के जोड़े यानी 24 बच्चे और एक अकेला बच्चा, 25 बच्चों के साथ हम लोग भारतीय संस्कृति पर कैटवॉक करेंगे। गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव का आयोजन समिति के वरिष्ठ वर्ग का अंतर जनपदीय कबड्डी प्रतियोगिता सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में आयोजित हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सेंट जोसेफ स्कूल भाटपा रानी और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्रों के बीच खेला गया, जिसमें भाटपा रानी के छात्रों ने विजेता ट्रॉफी अपने नाम किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने पदक पर ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के संयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। विद्या मंदिर के भी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सचमुच खेल के माध्यम से दो चीजें जो जीवन में हर मोबाइल देखिए भैया, मोबाइल रखिए एक मिनट भैया, सामने देखो सब लोग सामने देखो, मिट्टी होना पूरा, सब लोग मिट्टी होना था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ये गुरु कृपा संस्थान की तहत के तरफ से हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन होते हैं और ब्रजेश राम त्रिपाठी जी इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक हैं। निश्चित रूप से जो शहीदों के प्रति पूरे देश के नौजवानों में ये प्रेरणा जगह और उन्हीं के नाम से इस प्रकार के आयोजन, विभिन्न प्रकार के मेला, देश भर के जो शहीद जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा बलिदान दिया है उनमें उनके पोस्टर्स इत्यादि उनके लगते हैं और इस प्रकार के खेल के आयोजन से निश्चित रूप से जो एक तो खेल की भावना का, छिपी हुई प्रतिभा को आगे आने का अवसर मिलता है, दूसरा उन विद्यार्थियों के अंदर देश के इन सपूतों के बारे में भी प्रेरणा जगती है। और स्नेहिव नारी संस्थान की बहनों द्वारा जिला महिला अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में नवजात शिशुओं को स्वेटर, टोपी, मोजे, गर्म पैजामे तथा प्रसूताओं को गोद के लड्डुओं का वितरण किया गया। यह कार्य महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव के सहयोग से व उनके देख रेख में किया गया।
इस मौके पर रेखा गौड़, सचिव सुमन श्रीवास्तव, रचना सिन्हा, माधवी श्रीवास्तव, पद्मा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एक कोई पकड़ लिए, कोई ऐसे ही देगा ना, दिखा लीजिए उसको। वहीं सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए संस्था की अध्यक्ष पुष्पा वर्मा ने कहा, हम लोग हर साल स्नेही लारी संस्थान के तरफ से लगभग 6-7 वर्षों से यहाँ पर ठंड के सीज़न में, इस समय दिसंबर के महीने में ही ज़्यादातर नवजात शिशुओं को हम लोग स्वेटर और उनकी माताओं को गोंद का लड्डू अपने समाज सेवा के कार्य में करते हैं और हमेशा बांटते हैं। ये दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। साईं प्रणाम।